हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन, जिसमें आज हम लोग 19 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, इट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। सो व्हाट हैपेंड, जम्मू एंड कश्मीर में अभी इंसिडेंट हुआ था जिसमें पुलिस ऑपरेशन हुआ और उस पुलिस ऑपरेशन में 6 लोगों की डेथ हुई, और पुलिस ने कंफर्म किया उसमें से 3 मिलिटेंट्स थे और 3 लोग उनके ऊपर सस्पिशियस एक्टिविटीज हमको लगी है ना। तो पुलिस भी नहीं बोल रही कि सिविलियन है कि नहीं है। तो हुआ क्या, जम्मू एंड कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वहां के रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एनसी है और आपकी पीपल पीडीपी है, सो ये सारे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं वो फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखा जाए तो पॉलिटिशियन का काम यही होता है कि जब पब्लिक या अपोजिशन का काम यही होता है कि जब पब्लिक परेशान हो तो उनकी हेल्प करी जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाया जाए। सो व्हाट हैपेंड, तो देखा गया तो वहां पर जो फैमिली मेंबर्स थे, जो 3 अदर लोगों की डेथ हुई है, उसमें जो फैमिली मेंबर्स थे वो फैमिली मेंबर्स कहाँ चले गए, प्रोटेस्ट पे चले गए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के बाहर बैठे रहे, और उनका सपोर्ट अपोजिशन लीडर्स के अपोजिशन लीड अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स ने भी किया। सो व्हाट हैपेंड, तो वहां पर जो गवर्नमेंट तो है नहीं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि अभी इलेक्शन तो हुए नहीं, तो वहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने ऑर्डर दे दिया है कि जो पुलिस इनकाउंटर केस हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें मैजिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन हो, ये उन्होंने बोल दिया है। तो अब मैजिस्ट्रेट, एक इंडिपेंडेंट मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी करेगा जम्मू एंड कश्मीर वाले एनकाउंटर वाले केस में, और पता लगाएगा कि भाई पुलिस की कुछ गलती थी या नहीं थी, या जो इंसिडेंट हुआ वो सही हुआ या फिर गलत तरीके से मारा गया, क्योंकि फैमिली मेंबर्स का कहना है कि उनको एज अ ह्यूमन शील्ड की तरह यूज किया गया। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, देखो अनिल देशमुख और परमवीर सिंह, तो देखा जाए तो ये जो दिख रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस रिलीफ अनिल देशमुख परमवीर सिंह, तो देखने में तो लग रहा है कि अनिल देशमुख और परमवीर सिंह का केस एक ही है, केस के फैक्ट्स एक है बट दीज आर दी टू डिफरेंट केसेस। परमवीर सिंह के ऊपर एलिगेशन लगा है कि उन्होंने गलत तरीके से उन्होंने बेसिकली पुलिस को पुश किया गलत काम करने के लिए, वहीं अनिल देशमुख के ऊपर लगा हुआ है कि वो पुलिस को पुश करते थे कि आप करप्शन करो, और परमवीर सिंह ने ही अनिल देशमुख के ऊपर चार्जेस लगाए थे, और परमवीर सिंह वाला जो केस है उस पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई की जब इंक्वायरी हुई तब उनके ऊपर केस फाइल हुआ। सो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब हम अनिल देशमुख की बात करते हैं तो अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे, स्टेट के होम मिनिस्टर थे, और जब हम बात करते हैं आपके परमवीर सिंह की तो वो मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, तो दोनों की जो पोजीशन थी वो टॉप मोस्ट पोजीशन थी, और हम उन दोनों के केस में हम दोनों के हम दो उन दोनों के केसेस में हम उनको रिलीफ नहीं दे सकते, मतलब वो दोनों गए थे कि हमें एक तरीके से रिलीफ मिल जाए, है ना। अनिल देशमुख को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, परमवीर सिंह को भी जुडिशियल कस्टडी में रखा गया, तो उनको रिलीफ मिल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि नहीं, इन दोनों को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी क्योंकि दोनों हाई पोस्ट पर बैठे हुए थे। अब ऐसा हो सकता है कि इन्होंने पावर का मिसयूज किया हो, ऐसा एलिगेशन पे लगा है, तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ देने से, उनको जाने से मना कर दिया। मूविंग फर्दर, तो सुप्रीम कोर्ट की एक फाइंडिंग आ गई, सुप्रीम कोर्ट ने अब क्लियरली बोल दिया है कि देखो अभी हुआ क्या था, एक इंसिडेंट हुआ था बॉम्बे में, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक केस गया था, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में केस ये था कि एक पर्सन ने एक गर्ल के ऊपर उसके उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रखा, एंड बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये केस गया कि सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी थी कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तब जाके आप उस पर्सन को पॉक्सो के अंदर लाइबल पॉक्सो के ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगा पाओगे और तब जाके सेक्सुअल असॉल्ट का आप केस फाइल करोगे। तो अब जिसने ये जजमेंट दिया था, जिस जज ने जजमेंट दिया था उनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपने फाइंडिंग में बोल दिया है कि देखो जब भी सेक्सुअल असॉल्ट की बात आती है या फिर पॉक्सो के चार्जेस लगाने की बात आती है तो हम उस पर्सन का इंटेंशन देखेंगे, क्या उस पर्सन का सेक्सुअल इंटेंशन था कि नहीं था, अगर इंटेंशन था तो फिर उसके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस या सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लग जाएंगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है क्लियरली। मूविंग फर्दर, हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है,
हम लोग स्टेट की न्यूज़ पे जंप करेंगे सीधा। अच्छा आज मोदी जी जो है वो आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ऊपर से पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत सिंह चानी वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान में गए, तो इसी के चलते आज ज़्यादा एडवर्टीजमेंट भी दिया गया है आज, है ना। और इलेक्शंस भी आ रहे हैं और आज गुरु नानक देव की जयंती भी है, तो इसीलिए आज एडवर्टीजमेंट ज़्यादा है। और स्टेट न्यूज़ में ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, है ही नहीं, स्टेट न्यूज़ है ही नहीं, उन पेजेस पे एडवर्टीजमेंट आ गया। कभी कभी ऐसे न्यूज़पेपर भी बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट दिखाने लगते हैं। चलो सो विल मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो हमारे आज एडिटोरियल में दो ही एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अबाउट द हैवी लिफ्टिंग ऑन क्लाइमेट एक्शन मस्ट बिगिन, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड वन इज अबाउट अस्टिमुलेटिंग अलायंस, ठीक है। चलो अब ऑथर ने ये बताया, अच्छा ऑथर जो है ना, पहले थोड़ा ऑथर का बैकग्राउंड के बारे में समझो। जब तक ऑथर के बैकग्राउंड के बारे में समझोगे नहीं ना, तो मैं एडिटोरियल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तभी हम बोलते हैं कि एडिटोरियल किसने लिखा और उसकी पोस्ट क्या है, वो नीचे दे रखी होती है, वो पढ़ा करो, तो मैं अपने आप पता लग जाएगा कि भाई एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। अब ये जो ऑथर है, ऑथर का मैं नाम याद नहीं करना है, बट ऑथर की पोस्ट देखो, ऑथर क्या है, तो ऑथर इज ए प्रोफेसर एट कहां पर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ठीक है। और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च इज अ इंडियन गवर्नमेंट थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब वो पॉलिसी फ्रेम करता है गवर्नमेंट के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्लासगो पैक्ट हुआ उसके उसके बेनिफिट्स बता रहा होगा, उसके फेवर में एडिटोरियल लिखा गया होगा कि ग्लासगो में जो पैक्ट हुआ, जो COP 26 हुई, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। लेकिन हमने जितने भी एडिटोरियल्स पढ़े ग्लासगो पैक्ट के बाद, वो हमने यही पढ़ा कि फेलियर रहा, लोग भी यही बोल रहे हैं फेलियर रहा। लेकिन इसमें ऑथर ने क्यों बोल दिया कि भाई तुम्हारा सक्सेसफुल रहा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से लिखा गया है। तो अब बताया जा रहा है कि है क्या, हुआ क्या और क्या करना चाहिए, तो चलो विल डिस्कस है क्या, देखते हैं। देखो पहले थोड़ा बहुत बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो देखो सबसे पहली जो प्रॉब्लम अराइज हुई ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के टर्म से अराइज हुई। और ग्लोबल वार्मिंग का जो मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ना, एट द लोअर एटमोस्फेयर, जिसके चलते ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज हो रही है, जिसके चलते नहीं मतलब ग्रीन हाउस गैसेस के चलते ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से स्टार्ट हो गया था, कोल के बर्निंग से, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से, तो इस इन सब चीजों से बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा। तो जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो हुआ क्या, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी पर ये बात पहुंची, क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले कोई ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं थी जो सारे कंट्रीज को जोड़कर कोई बात रख सके, थी तो लीग ऑफ नेशन थी वो, लेकिन लीग ऑफ नेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो जब यूएन के पास ये बात आई, तो यूएन ने सोचा कि देखो पॉल्यूशन भी ना एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, और ये आगे चलकर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा हमारे अर्थ के ऊपर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो हुआ क्या, 1995 में यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी थी, UNFCCC, जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज, और उसने क्या बोला कि भैया हम लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगे। मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब एक मीटिंग होगी जिसमें सारे नेशंस क्लाइमेट को लेकर, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात रखेंगे। और 1995 में पहली COP हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई, और वो कहां हुआ, बर्लिन में। बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में। वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। फिर 1997, 2 साल बाद सेकेंड मीटिंग हुई, COP 2 हुई, और COP 2 कहां हुई थी, क्योटो में, क्योटो इन जापान, और उसको हम बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। अब क्योटो प्रोटोकॉल में जो बात हुई थी उसमें यह बोला गया था कि सारी कंट्रीज जो हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे आर लीगली बाइंड कि वो अपने कार्बन इमिशन को रिड्यूस करें। यह बोला गया था क्योटो प्रोटोकॉल में कि डेवलप्ड नेशन जो है, डेवलप्ड नेशन, नॉट नॉट दी डेवलपिंग नेशन और दी लीस्ट डेवलपिंग नेशन, ओनली डेवलप्ड नेशन आर लीगली इंटाइटल, लीगली बाइंड टू रिड्यूस दी कार्बन इमिशन। उसके बाद इंडिया में भी हुई, तो इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं, मतलब ऐसे कुछ उस मीटिंग का इतना कोई बड़ा सिग्निफिकेंस था नहीं, बट 2002 में इंडिया में भी हुई थी COP 8। फिर जो उसके बाद जो बड़ी मीटिंग हुई, बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसमें बहुत बड़ा एडवांसमेंट हुआ, वो था 2015 में, जिसको हम बोलते हैं COP 21, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, सेशन 21, कहां हुआ था, पेरिस, जिसको हम लोग टर्म भी देते हैं पेरिस एग्रीमेंट। और इसमें बोला गया था कि सारी कंट्रीज,
इंक्लूडिंग डेवलपिंग कंट्रीज, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, सारी कंट्रीज जितने भी यूएन के सिग्नेटरीज मेंबर्स है, जितने मेंबर्स है यूएन के, वो सारे के सारे ग्लोबल टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने, 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे बाई द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। और आइडियली देखा जाए तो 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो ग्लोबल टेम्परेचर था, ग्लोब का टेम्परेचर था, और 2015 में जो ग्लोब का टेम्परेचर रहेगा उसमें मैक्स टू मैक्स इंक्रीमेंट जो होगा टेम्परेचर का, ग्लोब का टेम्परेचर वो 2 डिग्री होगा। आइडियली देखा जाए तो 1.5 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रिच कंट्रीज ने यह भी बोला था कि हम लोग 100 बिलियन यूएस डॉलर का एक फंडिंग बनाएंगे हर साल, जिसमें जो कंट्रीज हैं जो ज्यादा कार्बन एमिशन करती हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कोल का ज्यादा यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल का ज्यादा यूज करते हैं, वो नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करें और इन सब चीजों से उभर के आए। फिर फाइनली अभी जो मीटिंग हुई 2021 में ग्लासगो में स्कॉटलैंड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26, और उसमें जो बात हुई उसमें यही था कि एनडीसी दी जाएगी, सब सारी सारी जो नेशंस है वो सब एनडीसी देंगे, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इट्स अ रूल बुक जिसमें सारी कंट्रीज बताएंगी कि हम लोग इतना इतना कम इमिशन करेंगे और इस तरीके से करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब वो तरीका नहीं पता था तो वो तरीका एनडीसी में आ गया। अब इंडिया की जब हम बात रखें तो इंडिया का सबसे बड़ा जो एलिगेशन लग रहा है इंडिया के ऊपर एलिगेशन क्या लग रहा है कि भैया इंडिया जो है ना, इंडिया ने फिर पंचतत्व, आज तुमने सुना होगा कि पांच कॉन्सेप्ट लेके मोदी जी ने बात रखी कि भैया जो हम लोग कार्बन इमिशन है वो कार्बन इमिशन हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, पंचतंत्र से। अब पंचतंत्र उसमें से एक चीज ये है कि हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन जो है हम लोग अचीव कर लेंगे बाय द एंड ऑफ 2070, बाय द ईयर ऑफ 2070 हम लोग नेट जीरो कार्बन इमिशन अचीव कर लेंगे। अब जब ये बात पहुंची तो कल ग्लासगो, परसों बेसिकली ग्लासगो की लास्ट डे थी मीटिंग की, तो उसमें आया तो उसमें बेसिकली बात ये लिखी गई थी कोल की, कि कोल को फेज आउट कर दिया जाए, बट इंडिया ने प्रेशर करा और चाइना ने प्रेशर भी करा जिसके चलते फेज आउट से फेज डाउन में आ गया। मतलब आप पहले क्या था कि कोल को आप यूज नहीं करोगे, लेकिन अब क्या हो गया कि कोल को आप यूज करोगे लेकिन एक लिमिटेड यूज रखोगे। तो वही चीज है। अब ऑथर का फिर आगे यही बताया गया कि कोल यूज को लेकर कि भाई देखो इंडिया को जरूरत थी कोल की, क्योंकि अगर इंडिया के कोल की जरूरत नहीं, अगर इंडिया को फेज आउट हो जाता कोल तो इंडिया सही तरीके से डेवलप कर ही नहीं पाता, जितनी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है जीडीपी परसेंटेज है वो ग्रोथ कर ही नहीं पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हो पाता। फिर दूसरी उन्होंने बात करी फाइनेंस सेंट्रल इशू, उसको लेकर उन्होंने बोला है कि देखा जाए तो हाँ फाइनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है और जितने भी डेवलप्ड नेशन है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करें, मतलब ट्रिलियन डॉलर में कॉन्ट्रीब्यूट करें, तब जाकर हम लोग ने जो पंचतंत्र वाला मिशन है वो अचीव कर पाएंगे। देन लास्ट में ऑथर ने यही लिखा है कि सपोर्ट एट होम इज नाउ की, मतलब उन्होंने यही बोला है कि भाई हमारे यहाँ की पब्लिक अगर साथ देती है गवर्नमेंट का तब जाके हम लोग इस चीज को अचीव कर पाएंगे, नेट जीरो कार्बन को अचीव कर पाएंगे, हम लोग पंचतंत्र को अचीव कर पाएंगे। ये बेसिकली ऑथर ने बताया, सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इंक्लूडिंग एवरी पर्सन एवरी पार्टी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट एडिटोरियल एंड इट्स अबाउट स्टिमुलेटिंग अलायंस। तो ये बेसिकली एडिटोरियल जो है ना, ये बताया गया कि जो हमने पढ़ा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने 95,000 डिसबर्स कर दिया है स्टेट्स को इस महीने, उसके बारे में तो उन्होंने बोला देखो पैसे देने से कुछ नहीं होगा, हमें स्टेट के साथ अलायंस बनानी पड़ेगी, मतलब स्टेट के साथ हमें साथ में मिलना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा और जो उनकी फिजिकल वरीज है उनको हटाना पड़ेगा। तो इंगेजमेंट गवर्नमेंट को दिखाना पड़ेगा, पैसा देने से अगर कुछ नहीं होने वाला, इंगेजमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो आपका मिशन है, विजन है कि हम लोग इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी ट्रैक पे लेके आ जाओ, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाए पूरे पूरे वर्ल्ड में, तब हम अचीव कर पाएंगे। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज अगेन, सो व्हाट हैपेंड, सो हुआ क्या कि जो लास्ट कमांडर टॉक्स थी इंडिया और चाइना के बीच में वो एक्रिमोनी में हुई थी। एक्रिमोनी का मतलब है कि एंगर, बिकॉज ऑफ द एंगर इश्यूज वो सही तरीके से हो नहीं पाई थी, बिकॉज ऑफ द एक्रिमोनी खराब हो गई थी। तो अब फाइनली इंडिया और चाइना दोनों कंट्री एग्री कर गए हैं, नाउ वी कैन रीस्टार्ट द टॉक ऑन द बॉर्डर इशू। और स्टार्ट कौन करेगा टॉक, जितने भी हमारे बॉर्डर कमांडर्स हैं, इंडिया का जो LAC का बॉर्डर कमांडर होगा और PLA आर्मी का जो बॉर्डर कमांडर होगा वो दोनों टॉक स्टार्ट करेंगे। इंडिया और चाइना दोनों एग्री कर चुके हैं इस चीज को लेकर,
कि हम लोग भाई डिसएंगेजमेंट कर दें बॉर्डर बॉर्डर से मूविंग फर्दर। सो वही बात हमने जो डिस्कस करी थी कि परमजीत सिंह चरणजीत सिंह चानी जो कि पंजाब के चीफ चीफ मिनिस्टर है वो पाकिस्तान की स्ट्रीन करतारपुर कॉरिडोर विजिट करेंगे। ठीक है, मूविंग फर्दर। सो रेलवे मिनिस्ट्री ने जितने भी रेलवे डिपार्टमेंट्स हैं सबको बोला है, सबको बोला है, रेलवे ऑफिशियल्स, बड़े रेलवे ऑफिशियल्स, कि भाई हमें ट्रेन की सेफ्टी रखना हमारी प्राइमरी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और ट्रेन की सेफ्टी अभी थ्रेट दिखा रही है। क्यों? क्योंकि रेल फ्रैक्चर है, रेलवे लाइंस फ्रैक्चर है, वेल्डिंग फ्रैक्चर्स है, तो आप उन चीज को जल्दी से जल्दी सही करिए। ये चीज बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री ने बोला है, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को बताया है। तो उसी चीज को लेकर अभी अब जो इंडियन रेलवे है उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, रेलवे लाइन जो फ्रैक्चर्स हैं उनको सही करेगा, वेल्डिंग जो वेल्डिंग फेलियर्स हैं उनको सही करेगा। मूविंग फर्दर, सो वही बात बताई गई कि इंडिया को अराउंड 10 ट्रिलियन डॉलर की जरूरत है तब जाके इंडिया बाय द एंड ऑफ 2017 नेट जीरो कार्बन एमिशन अचीव कर पाएगा, ये चीज बताया गया है ना। और ये हमें पैसे की जरूरत क्यों है? टू स्केल अप द एनर्जी ग्रीन सोर्स, मतलब अब फॉसिल फ्यूल हम कोल यूज करते थे, उसके लिए हमें कोई ऐसा यूज करना पड़ेगा, ऐसा फ्यूल यूज करना पड़ेगा जिससे पोल्यूशन ना इमिट हो, तो उसके लिए हमें पैसा लगेगा। उसके लिए कितना पैसा चाहिए? 10 ट्रिलियन डॉलर। और भी चीज है, और ये चीज किसने बताया, किसने एस्टिमेट किया? एस्टिमेटेड बाय द सेंटर फॉर एनर्जी एंड फाइनेंस, जो कि थिंक टैंक है किसका, एनवायरमेंट एंड वाटर रिसर्च का। ठीक है, मूविंग फर्दर। सो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोला है कि भैया वैक्सीन बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनका प्रोडक्शन आप इंक्रीज कर दो, है ना। और उसके चलते मोदी जी ने ग्लोबल इनोवेशन समिट फार्मा सेक्टर को ओपन कर दिया है, जितने लोग भी इन्वेस्ट करना चाहें फार्मा सेक्टर में कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी जितने भी वैक्सीन इंग्रीडियंट जो है, वैक्सीन इंग्रीडियंट्स बनाने के लिए जितना भी काम होता है उसका प्रोडक्शन आप जल्दी जल्दी रैंप अप करिए, इंक्रीज करिए। मूविंग फर्दर, सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आज एक इशू किया था कि भाई क्लास 10th और 12th के एग्जामिनेशन जो है सीबीएसई के, क्या वो हाइब्रिड मोड पे करा सकते हैं? हाइब्रिड मोड का मतलब है जो लोग ऑफलाइन देना चाहे ऑफलाइन दे सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन देना चाहे वो ऑनलाइन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, अब हम इस पीरियड में आके हम ये नहीं बोल सकते कि भाई क्लास 10th और क्लास 12th के एग्जाम हाइब्रिड मोड पे होंगे, या तो आप ऑनलाइन कराओ या तो पूरे तरीके से ऑफलाइन करा दो, हाइब्रिड मोड नहीं करवा पाएंगे। नहीं तो फिर आगे चल के भाई इशू होगा कि भाई चीटिंग हुई थी, ऑफलाइन वाले बोलेंगे चीटिंग हुई थी, ऑनलाइन वाले बोलेंगे कि भैया हम घर पे थे, सही तरीके से एग्जामिनेशन नहीं दे पाए, सही तरीके से कॉपियां चेक नहीं हुई। बिकॉज ऑफ दीज इशूज हम लोग चाहते हैं कि हाइब्रिड मोड पे एग्जामिनेशन ना हो। मूविंग फर्दर, सो मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू बेनिफिट ट्राइब्स, सो यही बताया गया, कल हमने पढ़ा था कि कैबिनेट ने दे दिया है कि 4 स्टेट्स में अराउंड 7,200 विलेजेस में मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर गवर्नमेंट जो है सर वो करेगी, हेल्प प्रोवाइड करेगी। और वही बताया गया कि जो मोबाइल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो चलेगा वो उड़ीसा के ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। विलेजेस को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि जो लोग हैं, जो लोग थोड़ा टेक्नोलॉजी हैंडीकैप्ड है, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड है, उनको आगे लाया जाए टेक्नोलॉजी के बेस पे, क्योंकि अभी हम लोग जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। मूविंग फर्दर, सो ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, व्हाट हैपेंड, एशियन, एशियन इज अ एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एशियन होता है, समिट भी होती है, इसमें फिलीपींस भी है, आपका म्यांमार भी है, लेकिन एशियन ने बोला था कि म्यांमार एशियन समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि म्यांमार जो है वो बेसिकली उसमें अभी मिलिट्री कू हो रखा है और हम लोग एशियन डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। तो फिर हुआ क्या, चाइना ने फेवर किया कि नहीं भाई म्यांमार को भी आप समिट में ज्वाइन कराइए। एशियन ने चाइना के इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट किया कि नहीं, हम लोग ये चीज नहीं कराने वाले, और क्योंकि प्रॉब्लम यह है क्योंकि चाइना इस बार एशियन समिट को होस्ट करेगा। मूविंग फर्दर, सो बिजनेस यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडे न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स, तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे, बाय बाय गाइस। आज का न्यूज़ जो है वो छोटा सा है, मतलब आज ज़्यादा दिया हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, स्टेट न्यूज़ नहीं आई, एडिटोरियल्स भी आज दो ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी आज इस वीक थोड़े एडिटोरियल्स कम ही आए। ओके चलो, सो वी एंड दी सेशन हियर, हम लोग कल मिलते हैं विद सम इंटरेस्टिंग न्यूज़, बाय बाय गाइस।